हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट बक्स में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये आपके काफ़ी यूजफुल रहेगा। आज हम आपको इसमें एक बहुत छोटा सा कॉम्पैक्ट डिवाइस बना के दिखाएंगे, जिसमें आपकी जो है आप जो भी अपने बल्ब वगैरह या LED बल्ब को कनेक्ट करेंगे तो वो काफ़ी सेफ़ रहेगा और इस डिवाइस को आप बहुत ईजीली यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए हमें क्या है, दो प्लग टॉप चाहिए होंगे। जैसे मैंने लिया है मेल और फीमेल प्लग टॉप लिया हुआ है, तो इस तरह के दो प्लग टॉप चाहिए होंगे। एक हमें फ़ैन कैपेसिटर चाहिए होगा। जैसे आप देखेंगे मैंने ये 2.25 mAh का एक फ़ैन कैपेसिटर लिया है। आप इसमें दूसरा भी कोई कैपेसिटर यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप 3.15 का भी यूज कर सकते हैं। और दोस्तों, एक हमने ये दूसरा वायर लिया हुआ है। तो दोस्तों, इसी की हेल्प से जो है हम आपको जो है कि डिवाइस बना के दिखाने वाले हैं। पहले हम डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूँ पहले। तो ये मैंने एक ब्लैंक पेपर लिया हुआ है। तो दोस्तों, इसमें क्या रहेगा, जैसे हमारा ये इधर से हमारा सप्लाई आ रहा है, इधर से इस तरह से ये हमारा न्यूट्रल हो गया और एक ये मेन हो गया। तो दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, इसी के साथ में यहाँ पे हम अपना एक कैपेसिटर को यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। जो भी हमारा ये फ़ैन का कैपेसिटर है, इसको हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और एक वायर जो रहेगा इसका इस तरह से फ्री रहेगा। तो यहाँ पे जो हमने अपना कैपेसिटर लगा दिया है, जो हमारा कैपेसिटर है 2.25 mFD का कैपेसिटर है हमारे पास ये। और जो दूसरा वायर रहेगा कैपेसिटर का, ये हमारा इस तरह से आगे चला जाएगा। और जो हमारा ये वायर है दूसरा, जो हमारा मेन आ रहा है, इसको भी हम यहाँ पे ले जाएंगे। तो इसके साथ में हम यहाँ पे एक दूसरा अपना प्लग टॉप जो है यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे हम दूसरा अपना एक ये प्लग टॉप जो है कनेक्ट कर देंगे और एक जो प्लग टॉप रहेगा वो उसका कनेक्शन हम यहाँ पे कर देंगे। दोनों वायर का कनेक्शन यहाँ पे हमारा एक प्लग टॉप आ जाएगा। तो दोस्तों, इसी का कनेक्शन अभी हम आपको करके दिखाने वाले हैं। तो अभी हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा ये मेल वाला प्लग टॉप है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो मैं इसको खोल ले रहा हूँ। और जो दोस्तों हमारे कैपेसिटर है, इसका एक वायर जो है हम जो हमारी मेल प्लग टॉप है इसके एक पिन के साथ में यहाँ पर भी हम कनेक्ट कर देंगे। तो कैपेसिटर का एक वायर जो है मैं इसमें फिक्स कर दे रहा हूँ। दोस्तों, मैं जो कनेक्शन करता हूँ ये वायर को थोड़ा इस तरह से जो है इनको फोल्ड करके फिर जो मेन वायर है उसके ऊपर ही मैं इसको टाइट करता हूँ, ताकि हमारे वायर जो है खींचने पर एकदम से टूटे ना। तो इस तरह से मैं इसको यहाँ पर टाइट कर दूँगा। देखिए, कैपेसिटर के साथ में हमने एक ये प्लग टॉप का पिन कनेक्ट कर दिया है। जो दूसरा हमारे पास ये वायर था, दूसरा प्लग पिन जो पिन है प्लग टॉप का, वो मैं इसके साथ में यहाँ पे फिक्स कर दे रहा हूँ अभी। थोड़ा सा और लूज कर लेते हैं, इसको भी हम यहाँ पे फुल्ली टाइट कर देंगे। जो दोस्तों ये प्लग टॉप है हमारा, इसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। तो इस तरह से हमारा एक ही कनेक्शन हो गया है जो हमारा मेन सप्लाई में कनेक्ट होगा। इसको मैं क्लोज कर रहा हूँ। तो अब दोस्तों देखेंगे, इस तरह से हमारा एक ये प्लग टॉप का कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब जो हमारे दो वायर हैं, एक जो हमारा कैपेसिटर से आ रहा है और जो हमारा प्लग टॉप से आ रहा है, इसका कनेक्शन हम दूसरे प्लग टॉप के साथ में फीमेल वाले के साथ में कनेक्ट कर देंगे। तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। इस तरह से मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें भी हमारी सेम दो पिन है, तो हम एक एक के साथ में इसको कनेक्ट कर देंगे। तो एक पिन के साथ में मैं जो है कैपेसिटर के वायर को फिक्स कर दे रहा हूँ इधर। इसको भी हम यहाँ पे टाइट कर देंगे। और जो दूसरी पिन है उसके साथ में हम ये दूसरा वायर फिक्स कर देंगे। इसको मैं थोड़ा फोल्ड कर ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसको फिक्स कर दे रहा हूँ। तो दोस्तों, आप देखेंगे कि हमारे जो हैं दोनों पिनें ये कनेक्ट हो गई हैं। जो हमारा एक वायर कैपेसिटर से आया और दूसरा डायरेक्ट हमारा प्लग टॉप से आया, इस तरह से हमारा ये कम्बिनेशन हो गया।
अभी हम इसको प्लग टॉप को भी क्लोज कर देते हैं, दूसरी पिन को भी इसको इधर कर देते हैं हम एक बार, और जो दूसरी पिन है उसको हम यहाँ पे इस तरह से इसको क्लोज कर देंगे। दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये आपस में टच नहीं होने चाहिए। थोड़ा सा एडजस्ट करके अब हम इसको इसके स्क्रू को यहाँ पे टाइट कर देंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारी एक कम्बिनेशन बन गया। अगर आप डायग्राम के साथ मैच करेंगे तो आप देखिए इस तरह से हमारा एक कम्बिनेशन बन गया है। ये जो हमारा न्यूट्रल और लैन वाला है, तो इसके लिए हमारा ये वाला प्लग टॉप है और ये हमने कैपेसिटर इसमें लगा दिया। हम इसको अगर ऐसे रखें तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा इस तरह से। तो ये कैपेसिटर हमने लगा दिया है 2.25 mFD का, और दूसरा जो हमारा फीमेल वाला प्लग टॉप है वो हमारा ये इधर आ गया है। तो दोस्तों अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए मैं एक पावर बोर्ड ले लेता हूँ। देखिए पावर बोर्ड मैंने ले लिया अपना ये, और इसकी मैं सप्लाई अभी ऑन कर देता हूँ। देखिए इसमें हमारी सप्लाई आ रही है, तो अभी मैं इसका कनेक्शन यहाँ पर लगा दे रहा हूँ। इस तरह से मैंने लगा दिया, पावर भी मैंने ऑन कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पर हम इसको जो भी अपना इलेक्ट्रिक बल्ब या हम जो भी अपना एलईडी बल्ब यहाँ पे यूज करेंगे तो वो काफ़ी हमारा जो है प्रोटेक्ट रहेगा। अभी देखिए मेरे पास एक ये छोटा सा बल्ब है, पहले मैं इसी को चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको एलईडी बल्ब भी चेक करके दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों ये हमारा बिल्कुल अच्छे से ग्लो कर रहा है, एकदम अच्छे से परफेक्टली इस तरह से। ये थोड़े वायर लूज हो रहे हैं इसलिए मैं इसको थोड़ा सा, अभी देखिए मैं ऑफ़ कर रहा हूँ तो ऑफ़ हो जाएगा, ऑन कर रहा हूँ तो ऑन हो जाएगा। अब दूसरा क्या है, हम एलईडी बल्ब को एक बार चेक कर लेते हैं। मैं एक एलईडी बल्ब भी आपको इसमें लगा के दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये एलईडी बल्ब है, मैं आपको इसको भी इसमें लगा के दिखाता हूँ। पहले मैं इसका स्विच ऑफ कर देता हूँ, ये देखिए मैंने इसको रिमूव कर दिया और ये मैं एलईडी बल्ब को यहाँ पर कनेक्ट कर दे रहा हूँ। थोड़ा सा कनेक्शन इसका लूज है, ये होल्डर हमारा थोड़ा सा लूज है। तो दोस्तों आप देखेंगे इस तरह से प्रोटेक्टिव डिवाइस आप बना सकते हैं घर पे, और ये बहुत ही इजी है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है इसमें जो भी लाइट को लगाएंगे वो आपकी पूरी तरह प्रोटेक्ट रहेगी और उसकी लॉन्ग लाइफ भी बढ़ जाएगी और वो जल्दी से ख़राब भी नहीं होगी। तो दोस्तों इस तरह आप अपने यूज के हिसाब से इसको इस डिवाइस को बना सकते हैं, और इसमें आप वायर जितना बड़ा चाहें उतना लगा सकते हैं, ये अपने यूज के हिसाब से जितना आपको चाहिए होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो जो है हम यहीं पे फिनिश करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।